हेलो गाइस, टेक फोर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है और उम्मीद करते हैं आप जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। फाइनली रेडमी ने भी अपनी नोट 11 सीरीज के दो और मॉडल इंडिया में लॉन्च कर दिए हैं, रेडमी नोट 11 प्रो, रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों में वैसे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जहाँ पर भी मेजर डिफरेंस होगा वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं और आइए जानते हैं इसके अंदर हमें क्या खास स्पेसिफिकेशन मिलने वाले और इसकी क्या खास प्राइस रहने वाली है। अगर इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले होने वाली है सेंटर पंच होल के साथ। इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी होने वाला है, यानी इस फोन की डिस्प्ले काफ़ी स्मूथ होने वाली है। अगर इसकी आउटडोर विजिबिलिटी की बात करें तो जो इसकी आउटडोर विजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। इसके अंदर 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस रहने वाली है, यानी आप इस फोन में आउटडोर में सारा कंटेंट अच्छे से देख पाएंगे। अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जो इसका फ्रेम है वो प्लास्टिक का होने वाला है, इसका जो बैक है वो ग्लास का होने वाला है। इसके डिस्प्ले पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी होने वाला है। अगर इसके सिम स्लॉट की बात करें तो इसमें हाइब्रिड स्लॉट होने वाला है, आप इसमें एक बार में एक सिम कार्ड या तो दूसरा एसडी कार्ड लगाकर यूज़ कर सकते हैं या फिर इसमें सिर्फ दो सिम कार्ड ही लगाकर यूज़ कर पाएंगे। अगर बात करें इनके कैमरा सेटअप की तो रेडमी नोट 11 प्रो में क्वाड कैमरा सेटअप होने वाला है। मेन कैमरा इसमें 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, 8 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड होने वाला है, 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो होने वाला है और 2 मेगापिक्सल का ही इसमें डेप्थ होने वाला है। अगर बात करें रेडमी नोट 11 प्रो प्लस 5G की तो इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप होने वाला है। इसमें मेन कैमरा 108 मेगापिक्सल का होने वाला है, 8 मेगापिक्सल का इसमें अल्ट्रा वाइड कैमरा होने वाला है, 2 मेगापिक्सल का इसमें मैक्रो लेंस होने वाला है। इसके अंदर डेप्थ कैमरा हमें देखने को नहीं मिलता है। इन दोनों ही कैमरों से आप काफ़ी अच्छी फोटो शूट कर सकते हैं। आप इनके रियर कैमरे से फुल HD वीडियो 30 FPS तक शूट कर सकते हैं और HD वीडियो आप 30 FPS तक ही शूट कर पाएंगे। अगर बात करें इसकी सेल्फी कैमरे की तो इन दोनों में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है, जिससे आप काफ़ी अच्छी फोटो शूट कर सकते हैं। और इसके फ्रंट कैमरे से आप फुल HD वीडियो 30 FPS तक शूट कर पाएंगे और HD वीडियो आप 30 FPS तक ही शूट कर पाएंगे। अगर बात करें इनके चिपसेट की तो Redmi Note 11 Pro में MediaTek Helio G96 चिपसेट होने वाला है, जो कि 12 नैनोमीटर पर बना हुआ और ये एक गेमिंग चिपसेट है। वही बात करें Redmi Note 11 Pro Plus 5G की तो इसमें Snapdragon 695 चिपसेट होने वाला है, जो कि 6 नैनोमीटर पर बना हुआ है और ये एक 5G प्रोसेसर है। इन दोनों फोन्स के अंदर LPDDR4X RAM, UFS 2.2 का स्टोरेज भी होने वाला है, यानी इन दोनों फोन्स की जो परफॉर्मेंस है काफ़ी हद तक अच्छी होने वाली है। अगर बात करें इसकी बैटरी की तो इन दोनों में 5000 mAh की बिग बैटरी और 67 वाट का फास्ट चार्जर का सपोर्ट भी होने वाला है। अगर बात करें इसके सिक्योरिटी सिस्टम की तो इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट होने वाला है और इसमें फेस अनलॉक का ऑप्शन भी होने वाला है और इसके अंदर जरूरत के सभी सेंसर्स होने वाले हैं, वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अंदर प्रॉक्सिमिटी सेंसर, एम्बिएंट लाइट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक कंपास, IR ब्लास्टर और जायरोस्कोप का सपोर्ट भी होने वाला है। अगर इन दोनों की ऑडियो क्वालिटी की बात करें तो इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट होने वाला है, जिससे इन दोनों फोन्स की जो ऑडियो क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी होने वाली है। इन दोनों फोन्स के अंदर 3.5 mm जैक का सपोर्ट भी होने वाला है। अगर बात करें इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की तो इसमें MIUI 13 विद एंड्रॉइड 11 का आउट ऑफ द बॉक्स सपोर्ट होने वाला है। और अगर फाइनल इनकी कलर वेरियंट्स की बात करें तो दोनों में हमें सेम कलर वेरियंट्स देखने को मिलते हैं, स्टिल्थ ब्लैक, फैंटम वाइट, स्टार ब्लू। अगर बात करें Redmi Note 11 Pro की प्राइसिंग की तो इसमें हमें दो वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 6GB 128GB जिसका प्राइस 17,999 रुपये रखा गया है। इसका जो दूसरा वेरिएंट है 8GB 128GB जिसका प्राइस 19,999 रुपये रखा गया है। इनकी जो फर्स्ट सेल है वो 23 मार्च को 12 बजे Amazon पर होने वाली है। वहीं बात करें Redmi Note 11 Pro Plus 5G की, जिसमें हमें तीन वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 6GB 128GB जिसका प्राइस 18,999 रुपये रखा गया है। इसका जो दूसरा वेरिएंट है 8GB 128GB जिसका प्राइस 20,999 रुपये रखा गया है। वहीं जो इसका तीसरा वेरिएंट है 8GB 256GB जिसका प्राइस 22,999 रुपये रखा गया है। इसकी जो फर्स्ट सेल है वो 15 मार्च को अमेज़ॉन पर होने वाली है और इसके ऊपर HDFC की तरफ से कुछ डिस्काउंट भी चल रहा है। इन दोनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, अगर आप इन्हें खरीदना चाहते हैं तो वहाँ जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। इनके अंदर जो बॉक्स में कंटेंट होने वाला है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, 67 वाट का अडाप्टर, USB टाइप सी केबल, सिम इजेक्शन टूल, प्रोटेक्टिव केस, क्विक स्टार्ट गाइड और एक वारंटी कार्ड, ये सभी कंटेंट आपको इसके बॉक्स में देखने को मिलने वाला है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो में कुछ कमी भी लगी तो वो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव कर सकें सिर्फ आपके लिए। जल्द मिलते हैं आपसे अपनी अगली नई वीडियो के साथ, जब तक आप अपना ख्याल रखें। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।